अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आपको ये वीडियो होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह ताला। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे थंडर 750 वॉट पावर सप्लाई, गेमिंग पावर सप्लाई, और दिस इज मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। तो आज हम इसको चेक करते हैं कि सप्लाई के अंदर क्या क्या फीचर्स मौजूद हैं। तो इसको आप एहतियात के साथ आप इसको इसकी पैकिंग को ये देख लें। आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रांड न्यू सील पैक। तो ये आप देख सकते हैं ब्रांड न्यू पावर सप्लाई है, 80 प्लस गोल्ड के साथ है। ये पावर सप्लाई 80 प्लस गोल्ड के साथ है और फुल मॉड्यूलर है। और दूसरा डीसी टू डीसी, और दूसरा इसमें एलएलसी की ऑप्शन मौजूद है मोर एफिशिएंट के साथ। तो आइए हम आप इसको पावर सप्लाई को ओपन करते हैं और आपको ओपन करके दिखाते हैं कि सप्लाई के अंदर क्या क्या फीचर है। ये बिल्कुल ब्रांड न्यू सप्लाई है, आपको नजर आ रहा होगा कि कंप्लीट पैक्ड है बेसिकली। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट्री सारी मौजूद है, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये साथ इसके मॉड्यूल्स हैं जो आपने इसके साथ अटैच करने हैं, तमाम हर तरह केबल्स भी मौजूद है, साटा केबल भी मौजूद है, और इसमें मदरबोर्ड की 24 पिन, 6 पिन ये भी मौजूद है। इसके अलावा ग्राफिक कार्ड की 6 और 8 पिन वो भी इसके अंदर मौजूद है, और इसके साथ ये एक्स्ट्रा पावर केबल है, ये उन्होंने साथ इसके अंदर पावर केबल जो है ये शामिल की हुई है। तो ये रही पावर सप्लाई 750 वॉट। तो ये आप देख सकते हैं गोल्ड सीरीज की TDS 750G मॉड्यूलर सप्लाई है, और बैक एंड पे इसका एक जहाँ से आप इसको पावर केबल दे के इसको आप ऑन कर सकते हैं, और इसमें ऑन ऑफ का बटन मौजूद है। और ये इसकी मेन साइड है जहाँ पे जितने भी मॉड्यूल्स केबल्स हैं वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम आपको दिखा भी देते हैं इसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स मौजूद हैं। तो ये आपके पास देख सकते हैं, इसमें ये 24 पिन का इसके अंदर मॉड्यूल है, और ये बैक एंड से ये कनेक्टर है जो आपने ये आप देख सकते हैं मेन बोर्ड 20 पिन प्लस 4 पिन, तो ये आपने यहाँ पे लगा देनी है, और ये जो है आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो ये आप देख सकते हैं कि आपका मदरबोर्ड की 24 पिन ये आपकी यहाँ पर रेडी है। इसी तरह आप बाकी भी देख सकते हैं, आप ये चेक करें, तो ये आपकी PCI एक्सप्रेस की आ गई है, ये आपकी यहाँ पे आ गई है ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए। 8 पिन, 2 8 पिन है, तो इसको आप 6 पिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें 6 पिन को कन्वर्ट, इसमें ऑप्शन मौजूद है कि अगर आपको इसने 6 पिन में कन्वर्ट करना है तो ये भी मौजूद है। तो इसके अलावा जो बाकी मॉड्यूल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कि अब इसको साटा के जो मॉड्यूल्स हैं ये आपने लगा दिए। इसमें आगे 2 साटा ऑप्शंस हैं, पावर कनेक्टर्स हैं, और एक आईडी पावर कनेक्टर है, और इसी तरह ये भी जो है ये भी 2 साटा और एक आईडी पावर कनेक्टर। और ये आप देख रहे होंगे, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये मदरबोर्ड को 8 पिन पावर कनेक्टर है जो मदरबोर्ड को पावर देने के लिए होता है, और इसकी जगह जो है वो भी यहीं पर मौजूद है, दिस वन। तो ये चीज़ थी बेसिकली। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी नई वीडियो पसंद आई होगी, थंडर 750 वॉट मॉड्यूलर पावर सप्लाई। तो अब तक के लिए आपसे जाते हैं इजाज़त, अल्लाह निगेबान, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।